गुड मॉर्निंग फेलास, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, हम उठे हुए थे एंड कल के इवेंट के बारे में एक दो बातें करते हैं, फिर बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं। कल का इवेंट वॉज वर्स्ट इवेंट आई हैव एवर वेंट टू एंड वॉज द वर्स्ट ग्रुप फेस्ट कुड एवर ऑर्गेनाइज। इट वॉज सो मिसमैनेज्ड। दो दिन का फेस्टिवल, कल डे वन था जिसमें गया था, डे टू है जिसमें अनूप जैन आ रहा है। आर्टिस्ट बढ़िया बुलाए नो डाउट, बट द मैनेजमेंट इज सो मेस्ड अप और द मतलब द एरिया इज सो स्मॉल और स्कैम ऐसे कर रखा है लाइक बताऊं आपको मैं क्या कर रखा है इन्होंने। सो इफ यू गो टू सनबर्न, इट्स वेरी कॉमन राइट दैट फैन पिट एंड वीआईपी इज इन द सेम एरिया। सो वीआईपी के अंदर फैन पिट होता है और जीए एक सेपरेट एरिया होता है। सो वेयर आई एम स्टैंडिंग फॉर एग्जांपल इट्स वीआईपी, यू गाइस आर फैन पिट एंड पीछे ये दीवार इज जीए, ठीक है, हमारे बीच में फेंसिंग है। सो व्हाट वाज लाइक द स्कैम देयर वाज कि वीआईपी को जीए के भी पीछे कर दिया। सो दैट्स वीआईपी एंड वेयर आई एम स्टैंडिंग इट्स जीए एंड वेयर यू गाइस आर इट्स लाइक फैन पिट, ये समझ लो। जबकि एक्चुअल में उल्टा होना चाहिए था, जीए को सबसे पीछे होना चाहिए, बट जीए मिडल में था सबसे पास एंड उसके आगे था ग्रब स्टार्स करके एक एरिया जो था उनका फैन पिट सो कॉल्ड, ठीक है, लाउंज, जिसकी टिकट थी दो हजार की 3000 की और वीआईपी की उससे महंगी थी, बट वीआईपी था सबसे पीछे। मेरे को तो ये सीन ही समझ नहीं आया, लेकिन वो सो शॉक्ड कि ये चल क्या रहा है भाई। ये ग्रब फेस्ट जो मैं आज तक जितने भी गया हूँ, मैं 3-4 गया हूँ, ठीक है, दिस वाज माय फोर्थ वन इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दो मैंने व्लॉग में कवर करे और एक ही हो गया। हाँ ठीक है, डन। मेरा 2019 का वॉज द बेस्ट ग्रब फेस्ट। फिर लास्ट ईयर मैं शायद यार सचत परंपरा था या उसके लास्ट ईयर था, आई डोंट रिमेम्बर, मेरी थोड़ी विविड सी मेमोरी है, मैं उस चीज को याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने व्लॉग करी ये चीज है भाई, वो तब भी बेटर थे। उधर का क्राउड, उधर का स्टेज, द एरिया वाज सो एम्प्टी। वीआईपी वाज प्रॉपर वीआईपी ओनली ग्रब फेस्ट में, ठीक है, उसमें स्टेज के पास था वीआईपी फॉर अ फैक्ट, दैट वाज लाइक अ गुड लेआउट। और सेम एरिया में उन्होंने करा है, स्टेज की डायरेक्शन चेंज कर दिया पूरा, मतलब लेआउट ही चेंज कर दिया, छोटा सा वेन्यू कर दिया। यही HTN वाइंड में हुआ, ये हर इवेंट में हो रहा है दिल्ली में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग है इस साल है ना, तो इनको इवेंट्स ऐसी साइज के करने पड़ रहे हैं छोटे छोटे फॉर दिस रीजन। यार इससे अच्छा करो ही मत ना, कर रहे हो तो फिर थोड़ा तो देख के करो कि अगर आप ज्यादा पैसे ले रहे हो पासेस के, अच्छा है मेरा पास तो फ्री था, बट जिन्होंने वीआईपी लिया उनके साथ तो स्कैम हुआ ना। वहां तो लोग मतलब लड़ भिड़ रहे थे कि वीआईपी लेने के बाद भी अगर हमें इतने पीछे खड़े होने पड़ रहा है, देयर इज नो लॉजिक अबाउट इट राइट। फिर कोई सेंस नहीं बनता इतना महंगा पास लेने का, जबकि वीआईपी बहुत एक्सपेंसिव देन द ग्रब स्टार्स वाला पास, ठीक है, लोगों ने वीआईपी यही सोच के लिया होगा कि आगे मिलेगा, लेकिन उनको क्या पता, तो उनका तो कटने वाला है, उनको सबसे पीछे करा जाएगा। आई डोंट नो ब्रो, मैं अगर लाइफ में कभी कोई कॉन्सर्ट कराऊं, होप सो, होपफुली कराएंगे, अगर कराऊं मैं तो भाई प्रायोरिटी रखूंगा वीआईपी, अगर जिसने जो ज्यादा पैसा दे के आ रहा है ना उसको प्रायोरिटी मिलेगी, सही बात है, जो कम पैसा दे के आ रहा है उसको ऐसे नहीं प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, उसको भी प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन जो ज्यादा पैसा दे के आ रहा है उसको थोड़ी ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। हमारे मित्र वन एंड ओनली सोनू चिब्बर, बाहर शिबू कुशाग्र मोटा ये सब बाहर खड़े हुए हैं गेट नंबर 5 के, ये लोग स्कूटी ठीक करा रहे चिब्बर की, फाइनली चिब्बर की स्कूटी भी जिंदा हो रही है, रिवाइव हो रही है, रिवाइव मांग रही थी बहुत टाइम से, 1.5 साल से, आज उसको रिवाइव कर रहे हैं। तो मैं भी निकलता हूँ जरा, मैं व्लॉग एडिट कर रहा था देर से, चाहते हुए एक फ्रूटी ले लेता हूँ, जरूरी होती है ना ये पीना, जिंदा रहना है थोड़ा, गर्मी में भी जाना है इसलिए। गलने से पहले मैंने आज के लिए एक रील भी शूट कर ली, उसको एडिट भी कर दिया, अब मैं शाम के समय थोड़ा आउटफिट रील भी शूट करूंगा, जो कल मैंने आउटफिट पहना था वो मेरे को कल ही करनी थी वो वीडियो शूट, बट कर नहीं पाया, थोड़ा आलसी हो गया मैं भाई। लेकिन गाड़ी से जाना वाज द वर्स्ट डिसीजन, गाड़ी से जाना, वो भी JLN, गुड़गांव साइड में गाड़ी से चले जाऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, JLN में आज कल कभी गाड़ी से नहीं जा रहा भाई, ये मैंने डिसाइड कर लिया, मैं स्कूटी पे बेस्ट हूँ JLN की साइड। जितनी देर मेरे को JLN से निकलने में लगी ना, उतनी देर में, उससे कम देर में एक्चुअली, JLN से मैं घर 15 मिनट में आ गया गाड़ी जब फ्री हुआ वहां से, स्कूटी पे 10 मिनट में आ जाता, और मैंने 1.5 घंटा बर्बाद करा सिर्फ JLN से गाड़ी निकालने के लिए। अब समझ लो इतना हेक्टिक है वहां से निकालना गाड़ी, अगर वो नहीं होती, गाड़ी नहीं होती, तो मैं तो कब का घर पहुंचा हुआ, मस्त चिल कर रहा था, 9:30 निकला था, 9:30 का चलो 9:40 तक स्कूटी पे बैठा भाई मैं, 10 बजे तक घर होता एग्जैक्ट 10 बजे तक। और भाई मैं एक चीज हमेशा रखूंगा इवेंट में, अगर मैं कभी इवेंट कराता, और मेरी एक दरख्वास्त है सबसे, अगर ये हो पाए तो भाई इवेंट में पानी फ्री रख दिया करो, प्लीज प्लीज पानी की बोतलें खरीदना मत दिया करो, 150-150, 100-100 रुपए की पानी की बोतल 20 रुपए वाली कौन खरीदेगा यार, मान लो प्यासे बेहोश हो रहे हो तो मेरे सामने 4 लोग बेहोश हुए हैं, पानी नहीं होता है भाई, आदमी पहले पैसे भी दे, इतनी महंगी टिकट भी खरीदे, चलो ठीक है कुछ ना हो पानी की बोतल तो प्रोवाइड कर सकते हैं फ्री। आई हैव डिसाइडेड, मैंने इतने इवेंट्स कर लिए ना, मैंने कुछ 40-45 करे हैं, मेरी काउंट शायद गलत ना हो तो इतनी करा, मतलब 40+ कर रहे हैं ठीक है, इवेंट्स में हो गया हूँ भाई, मैंने ये देखा है उनमें से सिर्फ 4 इवेंट ऐसे थे जिनमें पानी कॉम्प्लीमेंट्री, पानी मिल रहा था, खरीदना नहीं पड़ रहा था, बाकी सब में पानी 100-150
कुछ में तो भाई 10 रुपए वाली जो बिस्लरी की बोतल होती ना वो 200 तक की बिक्री थी। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज लाइक शिट भाई, पानी के लिए तरसना पड़ रहा है हमें, लोग यहाँ बेहोश हो रहे सब और इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बताता हूँ, कल मैंने जाके बार पे जाके मैंने बोला भैया पानी दे दो, वहाँ लोग बेहोश हो गए, अरे हम नहीं दे रहे पैसे दिए। नहीं ये क्या सिस्टम है भाई, बेहोश हुआ पड़ा आदमी और आप पैसे मांग रहे इस मोमेंट में भी। मैं वैसे बड़ी बड़ी बात करूँ बट अगर किस्मत इतनी अच्छी कि हम कोई कॉन्सर्ट कराने लायक काबिल हो गए भाई पानी फ्री रख दूंगा मैं तो। मोटी गांड वाले पे बैठे। अबे तू जैगवार की चाबी ले आया? मेरी भाई। हैं? हाँ। तू गाड़ी की चाबी ले आया? हाँ। और गाड़ी कहाँ है? चलें? चल दे। ये दूंगा मैं। घर पे कोई नहीं है तो तेरे पास गाड़ी की चाबी क्या कर रही है? वो पड़ी रहती, उठा के ले आ। चलो लासी पीरा, लासी ओए। गाड़ी लॉक कर रहा था ना तू? गाड़ी क्यों बोल रहा है? मैं अभी घर लॉक कर रहा था ना। हाँ। तो मैंने गाड़ी की चाबी ले ली। हाँ। और गाड़ी की चाबी। अरे ओ भाई ये तो ऑपरेशन ही हो रहा, डॉक्टर हेल्प भाई। भी अपने आईफोन में ब्रेड बोर्ड डाल के फ्लेक्स कर। हाँ, मोटी चैन मोटा पैसा। अब उनको देख, उनको देख भाई मोटा कैसे लटका पड़ा। मोटा कैसे लटका पड़ा भाई अपना। भाई मैंने ये तो डिसाइड कर लिया, सोच आज के बाद गाड़ी लेकर नहीं आऊंगा किसी भी इवेंट में। मैं बताता हूँ हम जहाँ बैठे हुए वहाँ 17 मिनट दिखा रही पार्किंग। 17 मिनट 17 मिनट में नोएडा पहुँच गया, ठीक है। 17 मिनट दिखा रही पार्किंग, हम चलना चालू करे वहाँ पे नेट ना आ रहा, गांव के बगल में खड़े फिर भी 17 मिनट दिखा रही लोकेशन। हम भाई आधा घंटा तो गाड़ी उठते रह गए, हम सारे रोड पे बैठ गए, वहाँ पे गन्ने का चुकंदर का जूस पिला रहा था, कोई चुकंदर का जूस पी रहे बैठ के। वो छोड़ मिल रहा सब पिए जा रहे भाई, वो छोड़ बाटी इन सबको 1.5 घंटा तक ढूंढा मैंने। अबे भाई हम पूरे आधा कॉन्सर्ट तो भाई जब तक तलविंदर नहीं आया। हाँ। तब तक तो हम सिर्फ ढूंढ ही रहे थे। हाँ, तलविंदर आया तब उसे पानी दिया, वो पानी नहीं पी रहा, उतने घर में बैठा था। शिबू के हाथ से कोई पानी नहीं पीना चाहता। पिला दे पिला दे, वहीं रख दे। वो पी गया पानी, ये ना पी रहा। और भरो वो ला बाटी बोतल ले क्या कर रहे हैं, अभी करेंगे बताएंगे। हो जा ना, हो जा। ओके मैं आपको कॉल कर रहा हूं। अब दिमाग है तुम्हें, पापा कॉल कर रहा हूं। दिमाग है भाई, मैंने कुछ ना बोले जा रहे, बोल रहा हूं चुप हो। साउंड इफेक्ट में मारो, दिमाग ही नहीं है छोटू, स्कूल एक्स ले यार। लाए जी भाई, दिमाग ही नहीं है। अबे चुप करो, कॉल कर रहा हूं। शांत रहना, साउंड इफेक्ट में तुम्हें। अबे चुप रहे बाबा, कॉल कर रहा हूं। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ टाइम लगेगा आधे घंटे में, बस आधे घंटे में लेके आ रहा हूँ। थोड़ा भी टेम्परेचर जुगाड़ हो जाएगा परमानेंट। ओके ओके भाई भाई छोटू कपड़ा लाइ, मैं बोल बोल के डाला भाई। तो मना कर रहा हूँ ना, बिधुड़ी मैंने क्या सिस्टम अच्छा हो गया, पेट बहुत भर गया। आओ भाटी जी, आओ बैठो, लेटो, ठंडी ठंडी हवा खाएंगे एकदम, मतलब हल्की मीठी मीठी धूप भी आ रही भाई, और एकदम परफेक्ट पेट भरा, परफेक्ट पेट भरा एकदम एक्यूरेट, ना ज्यादा ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, एकदम जैसा होना चाहिए वैसा। नींद यार, बिधुड़ी बात कर रहे हैं ना, बस साफ तो देते कर। अरे हाँ भाई, और ऊपर से मीठी मीठी ऐसी की हवा आ रही, मीठी होती है। अबे यार भाटी यार, एसी ठीक करने वाला था तो आ जाती होगी। वो तेरे को कैसे पता? हैं? साइड में। मस्त लेटे पड़े हैं, कोई होश नहीं अपने घर बार का, बस यही है भाईचारे में, है ना मोटे? भाई नहीं लेना भाई। यार तू यार नीचे की चीजें मत दिखाया कर ऐसे। नीचे चीजें मत दिखाया कर। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई नहीं लेने हमारी। ओए Been in some limits. विकलांग हो गए, वाह शिबू भैया।
शिबू भैया चल नहीं सकते अब, तो डाल गियर तो डाल भाई यार क्या फिल्म है यार। दिल्ली भाई एक आउटफिट रील जो शूट करनी थी कल के आउटफिट पे वो भी कर ली पूरा कल का आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच वापसी पहना है मैंने रिंग्स से लेके घड़ी तक कैप तक जूते भी बट वो अलग बात है मैंने जूते सिर्फ शूट के लिए पहने थे बिना सॉक्स के पहन लिए और पैंट्स एंड टी शर्ट भी अब फाइनली कपड़े धुलने डाल सकता हूँ मैं। यार बैगी पैंट्स ना मेरे को पसंद बहुत है पहनना लेकिन जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा बैगी आजकल मैं पहनने लगा हूँ ना जो पैरों से भी नीचे जा रही पूरा पैर कवर हो जाता है उसमें दिक्कत है कि भाई ये जमीन में लगती रहती है अब जमीन में लगती है तो नीचे से बहुत गंदी हो जाती है और इनमें नीचे की तरफ एकदम मैल जम जाती है इसमें जो धुलना मुश्किल होता है कभी कभी फट भी जाती है बट ठीक है अपने को क्या है अपने को तो एस्थेटिक बॉय बनना है। हाँ एक टाइम पे मैं बहुत स्ट्रेट फिट पहना करता था बट मेरे को बाद में चला स्ट्रेट फिट मैं पहन सकता हूँ बट ना वो मेरे को कंफर्ट नहीं देते जो मेरे को बैगी क्लोथ्स कंफर्ट देते मेरे को स्ट्रेट फिट कभी कंफर्ट दे ही नहीं पाए सो दैट्स व्हाई मैंने ये बैगी कपड़े वापसी मैं पहनना चालू कर दिया जो मैं पहले आज से मतलब 2019 में पहले बहुत पहनता था तब इतना फैशन नहीं था 2018-19 में फिर मैंने 20 में छोड़ा फिर मैंने 20 में छोड़ा और 20 के दिसंबर से मैंने वापसी चालू कर दिया बैगी कपड़े पहनना खरीदना तो भी मतलब मैं बैगी कपड़े तब से पहन रहा हूँ जब इन फैशन नहीं थे और जब इन फैशन आए हैं तब मैंने वापसी चालू कर दिया इन फैशन आने से थोड़ा पहले वापसी चालू कर दिया। हाँ लग गई तुम मेरा चैन निबिल्लो लग चलो भाई चलते हम तो ये सामने आओ मैं फॉलो मी भाई। हाँ भाई मैंने एक्सप्लोर करा सबसे पहले भाई हम चले गेमिंग जोन थोड़ी सी गेमिंग शेमिंग करने भाई वैसे इससे बेटर वो क्लूड सुपर चार्ज जो खुला है ना उधर प्रॉपर सिम्युलेटर था सेम रेट पे घुस जाएगा अंदर देख के नहीं चला रहा एक तो हम जा रहे हैं अभी सामने वहां चलना है क्लूड वाले में चलना है अबे नहीं नहीं सामने जाना है वो भाई नहीं नहीं सस्ता है सेम है यार 200 रुपए मिल रहा है वहां पे 500 रुपए मिनिमम अरे ना 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 फिर तो यही जा रहे 200 रुपए में एक घंटा फीफा खेलेंगे दारजी को मैं हराऊंगा दारजी अच्छे देखो और अगर दारजी जीते तो मैंने लस्सी पिलाऊंगा अगर दारजी हारे तो मेरे को कोक पिलाएंगे मेनू ए कराओ ना दारजी मेनू ए कराओ आओ बाबू आपको गेम खिलाएंगे अभी आपके लिए आपके नए टॉयज लाया हूं मैं रुको मैं इधर बैठूंगा गद्दी पर या मैं खेलूंगा स्पाइडर मोन नहीं जीटीए वॉशरूम जाने के लिए मिस्ट्री रूम्स के अंदर ये पैसेज हुए लाल लाल लाइट और पीछे वॉशरूम और लोग अंदर चिल्लाए जा रहे हैं समय गलत सब फंसे बड़े कोई रोए जा रहा है कोई चिल्लाए जा रहा है हॉरर गर्ल भी होता है भाई मतलब वैसे डर नहीं लगता बट वो उस समय मेंटली आप फोकस जितना होता है कि आपको लगता है अरे शिट भाई गए ये सारे देखो बैठे हुए खेले जा रहे हैं मस्त अपना मजा आ रहा है एक में मारो एक तू आ जा अब तू बाहर मेरा स्कोर देख सोनू हम मारेंगे मारेंगे एक मैं मारू पकड़ पकड़ एक मैं मारू पकड़ू मंच मारू भैया दो गेम बचे हैं ना यही दो करा दो और मार शिवो मार अरकम नहीं नहीं देखो जिनका हो चुका है ओए तेरा और मेरा हो चुका नहीं कर रहा है पकड़ से सारे को सिक्योरिटी पे इधर ओए और मैं नाम में लग जा मेरा 500 स्कोर था 510 अबे मैंने एक बार मारा है ओए मैंने एक बार मारा है अबे मैंने एक बार मारा है सबने एक एक बार मारा है मेरा चेला भाटी को डरा ब्लॉग बना रहा है हाँ अरे कहाँ है भाटी दिख क्यों नहीं रहा
हम भाटी की विंडो के नीचे खड़े रात के एक बजे गाइस वी वर्क के वो देखो आ गया वो देखो दूसरा चेला आ गया तू गया बेटे तेरा सिस्टम अलग करूंगा मैं रुक जा उनमें 3% बैटरी है लेकिन हवाबाजी पूरी होगी बता दे बिदूड़ी बता दे काट दूंगा बीच में से काट देंगे नू नू कर जा रहा है नू नू ऐसे काट दूंगा ऐसे 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 कर लूंगा